हेलो वीना, यह चैप्टर नंबर 617 हमने कंप्लीट की थी। चैप्टर नंबर 18 में कुछ भी नहीं है, तो मैं चैप्टर नंबर 19 से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 और 20 आई थिंक हो जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19, असी टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। वैंगम गुजरात में है। पुराने जमाने में बीज को सूखी लौकी में जमा करते थे, मिट्टी से कोट करके। नीम की पत्तियां बीजों को इंसेक्ट से बचाती हैं। उंधिया एक प्रकार की सब्जी है गुजराती, जो बर्तन को उल्टा करके कोयले में पकाई जाती है। गुजराती में उंधिया का मतलब उल्टा होता है। उंधिया को बाजरा रोटी और बटर दही आदि के साथ खाया जाता है। इसके बाद है, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने पर और ज़्यादा केमिकल्स रसायनों का प्रयोग करने से भूमि बंजर हो जाती है। फिर एक क्रोटॉन प्लांट्स के बारे में। क्रोटॉन प्लांट्स एक सिग्नल देते हैं जब मिट्टी सूख जाती है। कैसे? तो क्रोटॉन्स के जड़ बहुत अंदर नहीं जा पाते, इसलिए क्या होता है कि ऊपरी सतह सूख जाती है। क्रोटॉन्स, क्रॉन लिखा है मैंने, सॉरी। क्रोटॉन्स की पत्तियाँ भी मुरझा जाती हैं। इसी से पता चलता है कि मिट्टी सूख गई है। जब क्रोटॉन्स प्लांट्स की पत्तियाँ सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो पता चलता है कि मिट्टी सूख गई है। अर्थवर्म्स मिट्टी को सॉफ्ट और उपजाऊ बना देती हैं। वे मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं। तो वेस्ट प्लस अर्थवर्म्स मिलकर फर्टिलाइजर्स का निर्माण करते हैं। चैप्टर नंबर 20, हुज फॉरेस्ट। कुडुक। कुडुक ये आदिवासी हैं जो झारखंड में रहते हैं। कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब है जंगल। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, इस एक्ट के तहत उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। उनकी सुरक्षा का दायित्व तो उनकी ग्राम सभा द्वारा होता है। एक टिन भूमि बराबर जिस पर एक टिन बीज उगाई जाती है। सूर्यामणि एक सच्ची कहानी है। सूर्यामणि एक गर्ल स्टार थी, इस चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद झूम खेती। झूम खेती, झूम फार्मिंग, ये मुख्य रूप से बांस की खेती होती है जो मिजोरम में होती है। झूम खेती करने के लिए एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं उगाया जाता है। फिर उन सालों में जो भी घास फूस आदि उगे होते हैं उन्हें जला दिया जाता है। उनकी राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब भूमि तैयार हो जाती है तो थोड़ी सी खुदाई करके खेती की जाती है। और मिजोरम की खास फसल चावल है। जब फसल पक जाती है तो मिजोरम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये चिराव डांस बांस की डंडियों के साथ, डंडियां लेके मतलब, करते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 में इतना ही था, और चैप्टर नंबर 21 के लिए आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 to 5 लेके चैप्टर नंबर 21 इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और लंबा है, इसलिए एक वीडियो इसकी पूरी अच्छे से बनेगी। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 22 है, फिर 5th क्लास ख़त्म, फिर 4th स्टार्ट करूँगी। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।